मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अब घर की बहुत याद आ रही है, मुझे घर जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल आराम नहीं मिला। ऐसे अब हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए और अभी निकलते हैं हम रूम से और मिलते हैं वहाँ जाके। प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है, पहले हम जाने वाले थे उस स्कूल से लेकिन अब हम जा रहे हैं बोट से क्योंकि हमें थोड़ा सा लेट भी हो रहा है और आंटी के पैरों में कुछ छाले हो गए। बोले तभी हजार देना, नहीं तो मत देना। ऐसा बोला जाता है कि ममलेश्वर महादेव ओंकारेश्वर महादेव के बड़े भाई है, इसलिए पहले ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने होते हैं फिर ओंकारेश्वर महादेव। मुझे रोस्ट किया जा रहा है, मेरे पापा बोल रहे हैं मुझसे लंबा दोस्त, मुझसे बड़ा दोस्त मेरा पापा ही है। सो सैड। छोटे हाइट वालों की जिंदगी में यही दुख है, क्या करें। गाइज यहाँ मैं रोस्ट होने आई हूँ। ये वाला क्या सुंदर प्रकृति में वनस्पति भाई है और ये बहुत ही बड़े सबसे बड़े पत्ते वाला सुंदर के सबसे बड़े पत्ते वाला बुढ़े लगे। इनका कहना है कि ये मुझसे भी बड़ा है। देख रहे हो मेरे मम्मी पापा मुझे मेरी हाइट के लिए रोस्ट कर रहे हैं। इमोशनल डैमेज।
क्या करें, बहुत दुख है, समझ सकते हैं ना छोटी हाइट वाले। मेरे पापा मुझे स्पेशली यहाँ लेके आए थे, हम रास्ते से जा रहे थे लेकिन वो स्पेशली मुझे यहाँ लेके आए ये दिखाने के लिए, देख तुझसे लंबा पौधा, तुझसे बड़े इसके पेड़ के पत्ते हैं। तो अब हम यहाँ पे रुके हैं सबके लिए शिवलिंग लेने के लिए, क्योंकि सबने ही मंगवाया है कि हमारे लिए शिवलिंग ला के देना। यहाँ हम देख रहे हैं शिवलिंग, देखो प्यारी प्यारी सी शिवलिंग, अगर किसी को चाहिए तो आके ले लेना क्योंकि मैं तो तब तक घर आ चुकी हूँ। ये देखो यहाँ पे और भी बहुत सारा सामान है, ये प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ हैं, ये इयर रिंग है, तो लेना हो। ओ मेरे नाम से तृप्ति धार्मिक पूजन, मेरे नाम से शॉप है यहाँ पे भाई, यहाँ पे मेरे नाम की शॉप भी है गाइस, कितनी अच्छी बात है ना। तो अब चलते हैं आगे, बहुत थक गए हैं, भूख लग रही है, आगे कुछ खाते हैं। तो अब हम लोग फ्री हुए नाश्ता वास्ता करके, अब हम जा रहे हैं नर्मदा नदी का पानी लेने, क्योंकि सबको देना होता है ना घर में। हम आ गए नर्मदा नदी के घाट पे, लेकिन मैं नहा नहीं रही क्योंकि मेरा मन नहीं है। जा रहे गाड़ी की तरफ घाट से, फिर जाएंगे घर सीधा यहाँ से, और मेरी बैटरी बची है 7% बैटरी है, इसलिए मैं कुछ अपडेट नहीं कर सकती, पहले फ़ोन को चार्ज में लगाऊंगी, उसके बाद ही कुछ मैं शूट कर सकूंगी, इसलिए मिलते हैं अब फ़ोन चार्ज होने के बाद। मेरी आवाज़ सही से सुनाई नहीं देगी क्योंकि हवा बहुत चल रही है, ऐसे जब मैं उस झूले पर थी तब भी मेरी आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही थी, मैंने वीडियो वापस देखी तो, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ, माइक में लाई नहीं, ऐसा भी है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, लेट भी हो रहा है, घर भी जाना है, अब थक चुकी हूँ मैं बहुत, मुझे अपने घर जाना है। सो गाइस फाइनली हम ओमकारेश्वर से निकल रहे हैं और अब हमारी सवारी घर जाके ही रुकेगी, वैसे बीच में रुक सकती है आपको पता ही है, खाना पीना करने, बहुत थक गए, बस अब तो मिलते हैं कुछ देर में यहाँ से निकलने के बाद में। ले लिया हमने हमारा फर्स्ट स्टॉपेज, पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पे हम खाना खाने के लिए रुके हैं, कोई ढाबा ही है जो मिला नहीं हाईवे पे, तो हम यहीं रुक गए, खाना खा के यहाँ से निकलेंगे। बहुत थक गए। हाय एवरीवन, फिर से हम रुक गए हैं हमारे स्टॉपेज पे, बस अब हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 7 घंटे रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है इन सिर्फ 7 घंटों को बोलने में, पर क्या करें, इतना टाइम तो लगेगा यार, थक गए बस। अब हम यहाँ से निकलने के बाद या तो सीधा घर रुकेंगे या फिर एक स्टॉपेज और, बस रुके हैं यहाँ, रुक के हम चाय वाय पियेंगे, फिर कुछ देर में निकलेंगे, फिर देखते हैं कब तक हम पहुँचते हैं। ओ छोटा सा सांप, देखो सांप है यहाँ पे, इतना छोटा सा सांप ही है यहाँ पे, नहीं केंचुआ नहीं है तो सांप ही है वो भाई, यहाँ तो सर्दी भी आने वाली है। चलो जो भी है, मिलते हैं कुछ देर में यहाँ से फ्री होके। आपका बच्चा देखो, इसको थोड़ा साइड में कर रहे ताकि ये जिंदा रह सके, पैरों में नहीं, किसी के पैरों में ना आ जाए, ये तो पानी में चला गया। हाँ